कमला नगर, ये इसी राज्य का एमएलए चुनाव क्षेत्र है जो बेंगलुरु में आता है। ये इस एरिया के एमएलए हैं राजेंद्र सिंह, जो दोबारा इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। और ये है इसका चेला जमीर अली, ये जो एक बार फैसला कर लेता है फिर जज की भी नहीं सुनता। विक्रम सिंह, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिन्हें प्रमोशन तो नहीं मिले लेकिन इनके ट्रांसफर बहुत हुए हैं। चाहे हमें न्याय मिले या ना मिले, लेकिन हमें न्याय का साथ हमेशा देना चाहिए, ऐसा मानना है इस लॉयर मालती देवी का। पाँच छह सात आठ नौ, रोज 10% ही तो देना है, देगा तो दोनों के लिए भी अच्छा है। चल निकल 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 ला। अरे ये तो ऑटो का हफ्ता हुआ, 10% ब्याज तेरा बाप देगा क्या? वो क्या है? अब मेरे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं भाई। हाँ। अगले हफ्ते देता हूँ ना भाई। कहाँ जा रहे हो? यही रानी बाग में। अरे अपना भाई एमएलए है, अगर वो इस बार हार गया ना तो तुम सब लोग जेल में ही पिकनिक मनाना। चल 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 निकल 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 निकल। राजन भाई। क्या बात है जमीर अली? भाई ये ब्याज नहीं दे रहा है, ब्याज ब्याज। अरे क्या बोल रहा है? अरे भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे छोड़ जाने दे। ए चल बे निकल निकल। शुक्रिया भाई। भाई। हाँ बोल राघव। भाई अपोजिशन वाले आपके खिलाफ सूरज सिंह को खड़ा कर रहे हैं, कुछ तो करो भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। ए जमीर इधर। हाँ भाई अभी आया। ए यही रुकना, बोलो भाई। हाँ। सूरज सिंह इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? अरे उसकी माँ के साले को टपका दूं क्या? छोड़ना उसे। हाँ। तू मेरा आदमी है ये सभी जानते हैं। हाँ। अगर तू उसे मारेगा तो मुझे इलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम उसे ये इलेक्शन खत्म होने के बाद मारेंगे तो ये इलेक्शन रुक जाएगा। बात तो सही है भाई, ऐसा है सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूट जाएगी, बड़ा पंगा हो जाएगा भाई। तो अब क्या करेंगे भाई? अच्छा एक काम कर। हाँ। टीपू को बुला कल। टीपू को? जल्दी से वो काम खत्म कर। ठीक है भाई, चल जा। नमस्ते भाई। हाँ टीपू बैठ बैठ। ले टीपू। जमीर भाई कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास। ये चाय किस होटल की है? अमृत होटल। इलेक्शन की तैयारी हो गई? हाँ इलेक्शन तो ठीक ही चल रहा है, पर एक प्रॉब्लम है। सुना है अपोजिशन पार्टी से कोई सूरज सिंह खड़ा हो रहा है। लगता है वो आपको ठीक से जानता नहीं है। मैं उसको जाके बोला पर साला सुनता ही नहीं है। साला मर जाएगा, बोला तो बोलता है मेरे सर पे 36 भगवान का हाथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। 36 कोटी देवी देवताओं का हाथ होगा। हाँ वही भाई, ऐसा बोल के मुझे भगा दिया। आप क्या चाहते हैं? मेरी जीत। सच्चाई पता चलने से कुछ नहीं होता, कोर्ट को ही पता चलना चाहिए। वकील साहिबा आप ये काम कर सकती हैं? मतलब गवाही? गवाही तो कोई भी दे सकता है, हमें सच बोलने वाला चाहिए। करेक्ट। झूठ बोलने के लिए याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए जो किसी में नहीं है। और कोई रास्ता? पावरफुल लोगों से जीतने के लिए हमारा पावरफुल बनना जरूरी है, एटलीस्ट कुछ पावर होनी चाहिए। हवलदार। हाँ सर। सूरज सिंह की फाइल लेकर आओ। लाता हूँ सर। शंभू। शांभवी माँ। क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए बेटा बेटी तू ही है,
अच्छा बेटा, सारी किताबें ले ली? बस आ गई। कम ऑन, गेट अप गेट अप, चलो। अरे 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 बेटा बेटा बेटा, हम आपको अपनी गाड़ी में स्कूल छोड़ दे क्या? बेटा नहीं, शांभवी है। ये लोग कौन है? नेता है बेटा, ये हमसे भी रिच हैं क्या? रिच तो बहुत हैं, लेकिन दिमाग से पुअर हैं। तुम जाओ शांभवी। बाय माँ। बाय बेटा। क्या मैडम, सुना है कि आप इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं? आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे मैडम, गंदी चीजों में मत पड़िए। समाज की सफाई करना ही मेरा मकसद है। मैडम एक बार ना, भाई के एमएलए बनने से पहले हमने कहा था कि हम सब एरिया का टॉयलेट साफ करेगा। मैडम बहुत बास मारता है, आप नहीं कर पाएंगी। अगर मन में हो ना तो कोई काम मुश्किल नहीं है। इस समाज को सुधारने के लिए तुम जैसे गुंडों को, मक्कार लोगों को जड़ से मिटा देना चाहिए, और इसलिए ही मैं राजनीति में आ रही हूँ। कुछ लोगों को जोर से लगती है तभी लोटा लेकर भागते हैं। आप भी ऐसी हैं क्या? यू जस्ट शट अप एंड जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैडम मैडम गरम मत होइए, हम लोग जा रहे हैं ना यहाँ से। पर एक बात समझ लीजिए, ये जो राजनीति है ना, बहुत ही डेंजर चीज है। युद्ध रोकने के लिए सफेद कपड़े का इस्तेमाल होता है, वही सफेद कपड़े में हम युद्ध करते हैं। फोन आ गया तुम्हारे यमराज का। हाँ जमीर भाई, लड़की मेरे पास ही है, उसका नाम बच्चा तेरा नाम क्या है? शांभवी, मेरी माँ मुझे शंभू बुलाती है, I don't like that. मैडम आपके लिए फोन है। अरे आप ही का है, बात कीजिए। अरे बिंदास बोलिए। हेलो, आपकी बेटी मेरे पास है। नो बच्चा, तेरी माँ है, बात कर। हेलो शांभवी, स्कूल की बजाय वहाँ क्या कर रही हो? नहीं माँ, इन्होंने कहा तुम यहाँ आने वाली हो, इसलिए मुझे ये यहाँ लेकर आ गए। बातें बहुत हो गई, अगर भाई की बात नहीं मानी ना तो इसे काट डालूंगा। हेलो शांभवी। हाँ थैंक्स, चलो स्कूल चलो। चलो तुम लोग बिल्कुल थर्ड क्लास हो। अरे ये क्या बोल रही हैं आप, फर्स्ट क्लास वाले आईएएस बन जाते हैं, सेकंड क्लास वाले आईपीएस बन जाते हैं, और थर्ड क्लास वाले वो जाने दो। क्या फैसला किया आपने? मुझे मेरी बेटी की चिंता है। इन औरतों का दिल ऐसा ही होता है, पेट में बच्चा होता तब भी परेशान होती है और बाहर आने के बाद भी। वाह वाह। क्या रे, बहुत खुश लग रहा है? इलेक्शन में अपने भाई जो जीत गए। जीतने वाले से भी अच्छे नहीं होते। अभी आप उनके जाने, अपने पास आपके जैसा दिमाग नहीं है। ड्रामा मत करो, इस शहर में जो भी गुंडागर्दी हो रही है इसकी वजह तुम लोग हो। देख तुझे कई बार कह चुका हूँ, उन लोगों का साथ छोड़ दे नहीं तो ठोक दूंगा। अपुन भी कई बार बता चुका है, अपुन को दुनिया में कौन लाया पता नहीं, लेकिन पाला अपुन के भाई ने, और आज उन्हीं के एहसानों की वजह से अपुन जी रहा है। कल उन्हीं की वजह से मरना भी पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो जान भी हाजिर है। तड़ीपार नाम पढ़ने से पहले उन्होंने अपुन का नाम टीपू रख दिया है। कल अपुन मर भी गया ना तो लोग अपुन को लावारिस नहीं कहेंगे बल्कि इज्जत देंगे, और भाई का यह एहसान अपुन जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तेरे नाम की कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं है, इसी बात का घमंड है ना तुझे? जिस दिन तेरे नाम की एक भी कंप्लेंट मुझे मिल गई ना, तब तुझे दिखाऊंगा। जो लोग तेरा नाम सुनकर डर जाते हैं ना, वही लोग तुझे गालियां देंगे और तुझ पर थूकेंगे भी। थूक दूंगा तुझे। बिना वजह एनकाउंटर कर देते हैं आप लोग, अपन को मारने के लिए कंप्लेंट चाहिए क्या? जब मारने का दिल करेगा बताइए, मैं खुद आ जाऊंगा, बस गोली सीने पे चलाना। लोगों को लगना चाहिए कि एक मर्द मरा है। अरे
अभी और कितनी दूर है? चलिए ना मैडम, बस 2 मिनट और लगेगा, आइए ना। अरे ओ, जरा देखकर कपड़े धोया करो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है दिखाई नहीं देता। ए, रोज सिर्फ 1 घंटा पानी आता है, आने जाने वालों को देखते बैठूंगी तो मेरा काम तेरा बाप करेगा। चल चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये सब हमेशा का। आइए मैडम इधर आइए, आप अंदर आ जाइए, मैं 1 मिनट चाबी लेकर आता हूँ। ओके। अरे अन्नू, तुम कौन हो और इतना बड़ा काम करती हो और यहाँ घर ले रही हो? इंदु, अपनी पूरी सैलरी घर के रेंट में ही डाल दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? हाँ मैडम, चाबी मिल गई, चलिए मेरे पीछे आइए। और तो और, मैं सुबह जाती हूँ और शाम को लौटती हूँ, तो एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रात को अच्छी नींद आनी चाहिए। आइए मैडम, आइए आइए। हाँ अंदर जाइए। हाँ भाई, आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ मैं। हेलो मैडम, कैसा लगा आपको? इस तरफ से सूरज उगता है और उस तरफ सूरज डूबता है, देख लीजिएगा, आपको इस घर से बाहर जाने का दिल नहीं करेगा। यहाँ से फिसल गए ना तो स्मशान जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाएंगे। हेलो, आप मजाक कर रही हैं? जितना पैसा आप दे रही उसमें झोपड़ा नहीं मिलेगा और आप महल ढूंढ रही हैं? सुनिए, मुझे ये घर पसंद है। ठीक है जमीर भाई, अपन जा रहे। एमएलए राजेंद्र नाथ ने कहाँ कहाँ क्या क्या खरीद रखा है उसकी पूरी डिटेल इस फाइल में बंद है। इससे आपको क्या फायदा होगा? मीडिया में तो तुम्हारा नाम होगा, माफिया में हमारा नाम होगा। कौन है तू? भरत कौन है? अरे चल इधर, भरत कौन है? अरे चल रे। टिपू, ए बाबू, हर किसी को अपने एक बार जीने का मौका देता है, आज तेरे को भी मौका दे रहा हूं, तू इसे नहीं छापेगा। छापा तो? तेरे पेन की स्याही खत्म होने से पहले तेरी बीवी और तेरे बच्चों के शरीर से सारा खून खत्म हो जाएगा। अच्छी तरह सोच ले, टिपू की नजरों से दूर रहेगा तो अच्छा है, अगर वापस दिखाई दिया खलास। अरे मर गया। अरे कहीं जाके डूब मर, बच्चे की फीस के पैसे लेकर तू पीकर आ गया। अरे कैसा बाप है तू? मेरा बदन कांप रहा था, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तू तेरी जिंदगी पर, अरे कैसा मर्द है तू? अरे तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रही है? दवा आती है 200 रुपये, दारू आती है 50 रुपये, बहुत सस्ती है दारू। सस्ती है? अब दिखाती है। ये सुबह सुबह क्या लगा के रखा है, जाओ अपना काम करो ना। मुझे यहाँ से भगाने वाला तू कौन है? जा जाके अपना काम कर ले। आ जाता है सुबह सुबह पढ़ाने। टिपू भाई, ये शारदा बहन का नाटक बहुत ज्यादा हो गया है, उसको समझाओ ना। लो खा, मैंने झाड़ू से मारा इसीलिए गुस्सा हो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तो कह रही थी। टिपू को पता चला तो पता नहीं क्या करेगा। टिपू, अरे मेरा नंबर टिपू भाई, बस्ती के नल के पास हूँ, औरतें झगड़ रही हैं। टिपू, इंटरेस्टिंग। ये पैसे तेरे है क्या? नहीं। एरिया में नहीं आई है क्या? क्या रहती है? अकेले रहती है क्या? डर लगे तो बताना, साथ में रहने आ जाएंगे। अरे भाई उधर देखो ना, बहुत कबूतर उड़ रहे हैं। सही है भाई। ऑटो चपोरी कहेंगे।
सो बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई आई हो। गुड, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए बट किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। श्योर सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय, हेलो, नमस्कार, मैं हूँ आपकी नई आरजे ऑलराउंडर अनु। आप सुन रहे हैं इंडिया का नंबर वन म्यूजिक स्टेशन 92.7 बिग एफएम। रंग जमाते रहो, धूम मचाते रहो। आज का कॉन्सेप्ट है भाषा। हिंदुस्तान में कितनी भाषाएं हैं? मैडम, भाषाएं तो बहुत हैं, मगर मुझे सिर्फ एक ही भाषा अच्छी लगती है, वो है प्यार की भाषा। प्यार की भाषा जो पूरी दुनिया का दिल जीत लेती है। थैंक यू। हमारे नेक्स्ट कॉलर, हाय, आपका क्या कहना है? मैं पिछले कॉलर से सहमत हूँ मैडम, लेकिन एक और भाषा है जो काफी फेमस है। वो कौन सी है? नफरत की भाषा, जो लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, और प्यार की भाषा को समझने में लोग बहुत देर लगाते हैं। इसका मतलब लोगों को प्यार की इम्पोर्टेंस नहीं पता। हाँ मैडम। ऑफ कोर्स, हमारी भी यही राय है। थैंक यू मैडम। कॉल कीजिए, जवाब दीजिए और इनाम जीतिए। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। रंग जमाओ, धूम मचाओ। मैं हूँ आपकी ऑलराउंडर अनु, आपसे फिर मिलूंगी। तब तक आप सुनते रहिए ये सुपरहिट गाना। ओए डार्लिंग, पोस्ट खाली है तो बता, एप्लीकेशन डाल दे। तो हेलो। हेलो अनु, मैं हूँ। कहाँ हो तुम और तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? क्राइम रिपोर्टर की पोस्ट मिली है, 2 महीने की ट्रेनिंग है, रहने के लिए क्वार्टर मिल गया है, बाद में वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। ओह दैट्स ग्रेट यार, तुम भी यहाँ आ जाओगे तो फिर मम्मी पापा को भी यहीं पर बुला लेंगे। हाँ ठीक है, अभी मैं रखता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। अरे इतनी देर से किससे बात कर रही है? लवर ओवर है क्या? और हाँ, मैं क्या कह रही थी टीपू, मैं ठीक हूँ, एरिया भी ठीक है, प्रॉब्लम तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन 3 लड़के हैं, जब भी मैं गुजरती हूँ तो मुझे परेशान करते हैं, उनसे बात कराऊं क्या? हाँ बात करो। अरे अरे बात करो तो सही। अरे टीपू तुमसे बात करना चाहता है। साथ में कोई नहीं है क्या? आप ही हेल्प कर दीजिए ना। लाइए। थैंक यू। इलेक्शन तो जीत गए, अब एरिया डेवलपमेंट के बारे में क्या प्लान है? मेरा प्लान है, यहाँ लोग जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए इस समस्या का समाधान ढूंढूं। सभी ऐसा ही बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, ऐसा लोगों का कहना है। अगर भाई ने अपना वादा पूरा नहीं किया ना तो मैं अपनी मूछें मड़वा दूंगा। आपकी तो मूछें नहीं है। अरे जीतेंगे तब तक तो आ जाएगी ना। आपने तो टॉयलेट साफ करवाने का भी वादा किया था। लग गई। सर रोड्स का क्या करेंगे? अभी अभी बजट पास हुआ है, 6 महीने के बाद ही नए रोड दिखाई देंगे। तो आप सीमेंट के रोड बनवाने वाले हैं? हमारे भाई थूक पट्टी का काम नहीं करते हैं, ये रबर की तरह रोड को एकदम चकाचक बना देंगे, तब गाड़ी चिपक के चलेगी, है ना भाई? हाँ बिल्कुल। सर इस बार आप अपना बर्थडे कहाँ मना रहे हो? इस बार मेरे सभी चाहने वाले मिलकर कमला नगर में ही मेरा जन्मदिन मनाने वाले हैं। आप सबको भी आना होगा और फालतू के सवाल मत पूछना। हाँ फुल धमाल होगा, बहुत मजा आएगा। हाँ आप जाइए, काम कीजिए, चलिए निकलिए। जाइए भाई। वो जो गोल चेहरे वाला था ना, वो कौन? वो जो बीच में खड़ा था वो ना, आपको देखकर कैमरे में कुछ इशारे विशारे कर रहा था, आपने कुछ ध्यान दिया? भाई छोड़ उसे, अपने ही चैनल का आदमी है। अपनी पार्टी का? वही अपनी जनता टीवी क्या? एक्सक्यूज मी, एक मिनट देता हूँ। हेलो, इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, दूसरी दीजिए। कुछ नहीं होगा, कोई मरेगा वरेगा नहीं, ज्यादा पढ़ने से यही होता है, ये ले रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम? अच्छा, एक जॉनसन सोप दीजिए। हाँ हाँ देता हूँ। हेलो टीपू, अरे यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है, उसका नाम है सौम्या मेडिकल। हाँ वो ना ओल्ड स्टॉक की दवाइयाँ बेच रहा है। अरे मैडम भगवान के लिए उसे मत बताइए मैडम, बाद में कॉल करती हूँ। प्लीज मैडम प्लीज। अभी आपने क्या कहा था, कोई मरेगा वरेगा नहीं है ना? ए इधर आ, तू टीपू को जानती है क्या? नहीं मैंने उसे देखा भी नहीं है। दवाई दीजिए। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो टीपू से पक्का पिटवाऊंगी। रुकिए 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 रुकिए, गाड़ी साइड में लगाइए। आज तो हेलमेट भी नहीं पहना है, क्या हुआ सर? लाइसेंस दिखाइए, इंश्योरेंस कॉपी है? हाँ सर। लाइसेंस तो नहीं लाई, अब हम क्या करेंगे? अबो एक मिनट रुक। हेलो, ये किसकी गाड़ी है पता है आपको? किसी की भी गाड़ी हो लाइसेंस दिखाओ। टीपू को जानते हैं? ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ये तो क्या कह रही है? कुछ नहीं होगा, तू चुप बैठ।
तुझे अक्कल है या नहीं? तू चुप बैठ कहा ना। तूने झूठ क्यों बोला? मैं सब संभाल लूंगी, तू चुप बैठ। मैडम अब जाइए। थैंक यू। चल बाईस लोग हैं क्या? सब गोवा प्लेन से आ जाना, मैं एड्रेस भेज दूंगा और खर्चा भी दे दूंगा, आ जाओ सब लोग। जमीर भाई मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे टीपू भाई कहाँ है? वो बहुत बिजी शेफ, है। एक कॉफी लेकर के आओ। ठीक है भाई। ए गणेश बैंक जाके चेक जमा कर। ठीक है भाई। ए कृष्णा सूर्यकांत को फोन करके बोला। ठीक है भाई। या अल्लाह कानों को सुकून मिला भाई, सारे भगवानों का नाम लेते जा रहे हैं, लगता है सारे भगवान भाई के ही साथ में है। सही है, हमारे लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, तुम्हारे भगवान की भी तो पॉपुलेशन ज्यादा है, पूरे 36। सिर्फ 36 नहीं, 36 कोटी। हाँ भाई। वो बाबू बहुत उड़ रहा है यार। एक अपाहिज को मारेंगे तो इज्जत की बैंड बज जाएगी। ये सोचकर बैठे रहे तो कब सुमड़ी में आके बम्बू घुसा देगा पता ही नहीं चलेगा। कुछ नहीं होगा भाई, लगता है तुमसे काम होगा नहीं। टिप शेर का शिकार चूहा नहीं होता भाई। अच्छा चल, चलता हूँ भाई। आइटम मिलते ही सब यही राग अलापना शुरू कर देते हैं। क्या जबान संभाल के बात करो भाई। क्या रे क्या रे, हमारे एहसान भूल गया? तुझे पाल पोसकर हमने बड़े किया और भाई से ऐसे है? चल जा। समीर भाई मजाक पसंद नहीं है। चल निकाल। आइटम के पीछे और वो भी मैं? हाँ गुरु, ये खबर तो हमने भी सुनी है। ए बकवास बंद कर। नमस्कार। नमस्ते सर। अजीब आदमी है ये, आज यहाँ जिंदा है कल कहीं मरा पड़ा होगा, ऊपर से गर्लफ्रेंड भी है। सच कह रहे हैं? चुप। क्या पागल लड़की है, अच्छे अच्छे लड़कों को छोड़कर तो जैसे गुंडे के पीछे पड़ी है। क्या कह रहे हैं सर? ए नाटक मत कर, कम से कम अभी तो बुरे धंधे छोड़ दे वरना उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुरु बात कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही है, नहीं कुछ करना पड़ेगा। चलता हूँ सर। चल। ए लड़के क्या हाल है तेरे टिप्पू का? और क्या होगा सर, जैसा हाल लैला के मजनू का था। ए तू चुप बैठा। अभी यहाँ से गया है, बहुत क्लास ली मैंने उसकी। अच्छा किया सर, थैंक यू। हम तो फिर भी पराए हैं, कल को शादी करके उसके साथ जिंदगी तुम बिताओगी, कंट्रोल में रखो उसे। ठीक है सर, रखूंगी। अपने गुरु की आइटम कौन हो सकती है यार, कहाँ मिलेगी वो, उसकी उम्र क्या होगी? अपने गुरु की जैसा कोई शहर में डुप्लीकेट तो नहीं पैदा हो गया हूँ। ए लल्लू तेरे को मिली क्या? अबे नहीं, तुझे मिली क्या? नहीं यार। ये तो मुझे जानता नहीं, टीपू का नाम सुना है ना? है? अगर मैं उसे एक बार फोन लगाऊंगी ना तो तू इस दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा, तू सिर्फ एक ही कंपनी का बॉस है, लेकिन मेरा टीपू पूरे शहर का बॉस है। अरे क्या रेड क्या ब्लैक, वाह 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 वाह। ये आइटम नहीं आंटी, अबे अबे अपने गुरु का टेस्ट तो कुछ ज्यादा ही भारी है। ए टीपू टीपू क्या कर रही थी, उसको देखा है क्या, उसके साथ क्या रिलेशन है तेरा? सीधी तरह से सच बोल दे। आप लोग कौन है? टिप्पू के आदमी है। हेलो बोल। टिप्पू भैया मेरे पति दुबई में रहते हैं और मैं यहाँ काम करती हूँ। तो? मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करती हूँ और मेरा बॉस बहुत बदतमीज है और उससे बचने के लिए मैंने आपका नाम लिया। ऐसी कोई बात है तो मेरे आदमियों को बता, अगर मेरा नाम वापस लिया ना तो जिंदा गाड़ दूंगा। टिप्पू को भैया का आना तो वो तेरा भाई हो गया। डोंट वरी मैं हूँ ना, तेरे को कभी भी प्रॉब्लम हो फोन करके मेरे को बुला, डरने का नहीं मेरे को बुला, है ना?
सीधी तरह से मेरी फेंकी हुई फाइल उसे अंदर रखने के लिए बोलो। अच्छा जरा उसे फोन तो दे। ए, टीपू को जानता है ना, मेरी फ्रेंड का लवर है। ज्यादा नाटक दिखाया ना तो रस्ते पर भीख मांगता फिरेगा। चल फाइल पास कर दे। मैडम मेरी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, टीपू से मदद चाहिए। टीपू से? ये कौन है? टीपू को स्टिकर समझ के रखा है क्या? जहाँ मन करेगा वहाँ चिपका देगी। कौन है तेरी फ्रेंड? अनु। एड्रेस बोल। 13 Cross 4th Main राजा जी नगर मुंबई। उससे कह देना कि मंदिर में घंटा बजा दिया, सिर्फ उसकी आरती उतारनी बाकी है। अबे सुकड़े चल आइटम को छोड़ और निकल। अबे रुक, तुम बोलो ना क्या बोल रही थी। तुम किसी से प्यार व्यार करती हो क्या? नहीं। करना भी नहीं? वो क्यों? करना नहीं बोला ना। ए सुकड़े आंटी को छोड़ चल। अनु अनु क्या है? तेरे टीपू के आदमी मिले थे। तो क्या हुआ? हम उनका नाम यूज कर रहे हैं ये उन्हें पता चल गया है। मैंने उन्हें तुम्हारा नाम बता दिया। व्हाट? ये क्या किया तूने? इसके पहले कि वो हमारे पास आ जाए हम उनके पास जाकर उनसे माफी मांग लेते। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? अरे उसे तो सब जानते हैं, ढूंढ लेंगे। चल। तेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो गई, देखा तूने? गाड़ी क्यों रोक रखी है? बढ़ाओ ना गाड़ी, जल्दी करो। ए, दिखाई नहीं देता है क्या? थोड़ा वेट नहीं कर सकते? ए, दिखाई नहीं देता है क्या? साले मुंह फोड़ दूंगा। जाओ बहन। घर के औरतों को भी ऐसे ही देखते हो क्या? सीखो अपनी माँ और बहन से कुछ। हाय, ए हाय, हम उस दिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिले थे। हाँ हाँ। आपने बहुत अच्छा काम किया। आई लाइक इट। देखा, पहले से ही जानता था और हम दोनों से ढूंढवा रहा था। ओके, आई सी यू सून। अभी जरा जल्दी में हूँ। हाँ, मैं भी जल्दी में हूँ। देखा, पहले से जानता हमारे सामने नाटक कर रहा है। ए, हाँ? वो जैसे ही घर आ जाएगी ना तो मुझे बता देना। देखा, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। चल ला, हम दोनों भी मिलकर तमाशा देखते हैं। अरे टीपू, यहाँ कैसे आना हुआ? किसी से मिलने आया था। आपका पति कैसा है अभी? बिल्कुल नहीं सुधरा। कितना कहती हूँ पर दारू छोड़ता नहीं है। हाँ। यहाँ क्यों रोका? वहां देखना। ऑटो। ऑटो। ओ, तो ये मामला है। बेचारी परेशान हो रही है। ओहो, तुझे बड़ा बुरा लग रहा है, साथ में बैठा ले इसको। तो उतर ना। गुरु, लड़की के लिए मुझे नीचे उतारोगे? मेरे पास तो वो सुकड़ा है ना,
लेकिन इस बेचारी का अब उनके अलावा और है कौन? और फिर एक दोस्त को अपने दोस्त की फीलिंग समझकर उसकी मदद करनी चाहिए। अबे तेरे से अच्छा तो वो सुकड़ा है, वो आज तक कबाब में हड्डी नहीं बनाए कभी। ठीक है तुम जाओ। हाँ उतर गया क्या? थैंक्स। हाय। यहाँ कैसे? मंदिर जाना है, ऑटो ही नहीं मिल रहा। शुक्र है ऑटो नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप तो आ गए, ऑटो क्यों चाहिए, आप ही के साथ चलती हूँ। लेकिन एक बात है, मैं बहुत फास्ट हूँ बाइक चलाने में। ऑलराइट, कस के पकड़ना। ओके। पंडित जी नहीं है? भगवान और हमारे बीच पंडित का क्या काम सोचकर हमने यहाँ किसी को काम पे नहीं रखा। चलो परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा बाद में करेंगे, पहले बैठो। अब बैठिए। लगता है भगवान पे बहुत विश्वास करती हो। अब क्या करें, मुश्किल के वक्त वही तो साथ देते हैं। लाइफ में कोई तकलीफ है क्या आपको? मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। कोई टीपू नाम का लड़का है। सेफ्टी के लिए मैंने उसका नाम यूज किया तो ऐसे मुझे ढूंढ रहा है जैसे उसकी जायदाद लूट ली हो। आपने टीपू को देखा है क्या? छी, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। एक लड़की के पीछे पड़ गया है, आई डोंट लाइक इट। मैं उससे बात करूंगा। आप क्या बात करेंगे? आप उसे जानते हैं क्या? सिर्फ जानता ही नहीं यार, इसको बता। ये मेरी आइटम आ गई। गुरु आया आया। तू तो बता। मेरी आइटम होती तो मैं भी कल्टी मार लेता यहाँ से। मेरी आइटम कब पटेगी गुरु? अबे कुछ तो बोल साले। वो टीपू है ना, अपने गुरु का चेला है। अच्छा। हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। वक्त के साथ साथ वो गुंडा बन गया और मैं इस लाइन में आ गया। कौन सी लाइन में? वो रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट मतलब मेरी लाइन तो अच्छी है और उसकी बहुत बुरी लाइन है। अब गुरु लंबी लंबी फेंकेगा। आप उससे मेरी बात करेंगे ना? बात हो गई, समझ लीजिए। शुक्र है, मेरी टेंशन दूर हो गई। अब जब मुझे टिपो मिलेगा ना, मैं उसे आपका नाम बताऊंगी, ठीक है? ओके बाय बाय बाय। आपका नाम क्या है? अब हाँ, अजय। नाइस नेम। एक रिक्वेस्ट है। बोलो ना। मुझसे मिलते रहेंगे ना? किस लिए? टिपो की वजह से। नहीं है, ये मोहब्बत है। अरे तू टिप्पू नहीं, तू अजय है, होशियारी से हैंडल करना। हेलो। हाँ अनु, मैं हूँ अजय। हाय अजय, हाउ आर यू? मैं अभी आपकी ही बात कर रही थी। किससे? मेरे किसी खास से। मुझसे ज्यादा चाहती हो? मतलब बोले तो तुम मेरे बारे में किससे बात कर रही थी ये जानना। वो क्या है ना, हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं रह सकते, इतने क्लोज हैं हम दोनों। तो फिर मैं? आपसे तो अभी अभी जान पहचान हुई है और उससे मैं 22 सालों से जानती हूँ। दीदी बात बंद करो, ये कैसा है? दीदी हो मतलब? हाँ। भाई बहन। ठीक है, बात करो, आराम से बात करो, बाद में फोन करूंगा। ओके, बाद में बात करते हैं, बाय। वो कौन है गुरु? भाई और बहन है। तेरी बात सुनकर आज मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो जाता। चल। अरे रे रे रे, रानी मिस हो गई। अबे खेलना। अबे ठीक से खेलना। तू तो इंटरनेशनल प्लेयर है ना? नमस्ते भाई। एमएलए साहब यही है या दिल्ली गए हुए है भाई? क्यों, क्या काम है? गणेश चतुर्थी है। पैसों के लिए हर साल गणपति बिठाकर नवरात्रि बोलकर कब तक लोगों को लूटते रहोगे? नहीं भाई, इस बार हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे भाई। ग्रैंड फंक्शन होगा भाई, ऑर्केस्ट्रा या कॉमेडी नाइट्स और फिर कॉम्पिटिशन वगैरह, धूमधाम से मनाएंगे भाई। भाई 2 लाख रुपए चाहिए बस। तुम लोग कितना खाओगे? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, क्या कह रहे हो भाई, हम लोग भंडारा भी करेंगे और भगवान को भोग चढ़ाने के लिए आपको आना ही होगा भाई। इसमें मुझे मत घसीटो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। भगवान के नाम पर भंडारा पूजा बोलकर बिजनेस शुरू कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है, दिला दूंगा। थैंक्स भाई, थैंक्स भाई, चलते भाई। थैंक यू भाई। सुबह से आप मेरे साथ ही घूम रहे हैं, आज छुट्टी है क्या? अपनी लाइफ तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे की तरह है। हाँ?
यहाँ सब कुछ मिलता है, जो चाहिए ले लेना। ओके। मैडम उधर भी देखिए। नमस्कार भाई। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। ये कितने की है? प्राइस वाइज पूछिए, जो लेना हो ले लीजिए, पैसा मैं भाई से ले लूंगा। भाई मतलब क्या? वो इस एरिया का भाई टिपू है ना, और उसका भाई मैं हूँ, इसलिए ले लो जो लेना है ले लो। अरे टिपू भाई। टिपू टीपू नहीं अजय बोल। अबे जल्दी से कोई स्टोरी बना, नहीं तो तेरी स्टोरी खत्म। टीपू कहा ना, कहाँ है वो? यहीं पर है क्या? टीपू भाई हमारे बॉस है, मेरा कुछ काम अटका हुआ है। अजय भाई कहेंगे तो टीपू भाई सुन लेंगे। मुझे क्यों बता रहे हैं यार? ये प्रॉब्लम में है तो एक बार बात कर लो ना। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। ओके। ज्यादा पर फैलाएगा तो पर काट के फेंक दूंगा। शिवा हमारा आदमी है, मतलब वो जगह भी हमारी है, अगर बीच में टांग अड़ाई ना तो जान से जाएगा, समझ गया? मेरी शॉपिंग हो गई, हमारा काम भी हो गया, तुम जाओ शिवा। अजय जानते हो मुझे क्या लगता है? मेरे साथ तुम्हारे जैसे शेर के होते हुए उस टिप्पू से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं कितनी पागल थी ना। ए बाबू। लंगड़ा बाबू, तेरी वजह से ये नाम मिला मुझे। अपुन को अपाहिज लोगों पर हाथ उठाना पसंद नहीं है, एक पैर खो चुका है दूसरा भी खो देगा, इसलिए चुपचाप निकल जाए यहां से। Thank you.
बाबू तुझे तो मैं उसी दिन मार देता, लेकिन बीवी बच्चों का नाम लेकर मेरे हाथों मरने से बच गया। मुझे मजबूर मत कर, क्योंकि अब ये आखिरी बार मैं तेरी जिंदगी तुझे बख्श रहा हूँ। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आया तो भीख मांगने के लायक भी नहीं बचेगा। ये दवाई लेकर आओ। हाँ। लाओ, मैं लेकर आती हूँ। ए तू? भाई कहाँ लेकर आ गए? चल जा। आप जाइए भाई, मैं नहीं जाऊंगा। चल जाना। अरे वो कौन सा मंत्री है, जाइए ना आप। चलना, नाटक मत कर। भाई को बताने की क्या जरूरत थी? हाँ। नमस्ते भाई। पता चला बाबू क्या चीज है? अपाहिज बोल रहे थे तुम तो उसे? भाई एक नंबर का कमीना है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भी रहूंगा ना तो पीछे से आकर मुंडी उड़ा देगा। अपुन को नहीं लगता वो अब कुछ करने वाला है? अच्छा सबक सिखाया है उसको। ए टीपू, तू तो बोला था कि शेर कभी चूहे का शिकार नहीं करता, क्या हुआ? शेर भी कभी घास नहीं खाता, कच्चा मांस खाता है। इसका हवा पानी बदलने से इसका पेट गला सब बिगड़ गया है। एक विक्स की गोली मुंह में डालो, आवाज पूरी खुल जाएगी। खराब हुए पेट में जुलाब की गोली चली जाएगी तो सब कचरा निकलकर साफ हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। फोन लगा बाबू को। छोड़ो ना भाई। छोड़ देने से मच्छर कोई खून पीना नहीं छोड़ता। क्या गारंटी है कि वो दोबारा तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा? ए बाबू तेरा टाइम आ गया, जरा रोक, भाई को बात करनी है। ए बाबू अर्जेंटली तुझसे मिलना है, समय वक्त और सवाल सब तेरा होगा, मेरा केवल जवाब होगा। भाई अब ये बताओ कि तुम्हें मारा किसने? गुंडों ने। वो क्यों? मैंने भी उन्हें पीटा था ना। लेकिन क्यों? वो बहुत ही कॉमेडी बात है, याद करता हूँ तो हंसी आती है। अबे गधो कुछ तो बोलो। अरे वो मुंबई की वसई में। वसई रोड पे? क्या वसई रोड पे? गाड़ी से जाते समय टायर पंचर हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली टायर पंक्चर हुआ है वो तो बर्स्ट होते ही पता चला। हाँ। इसने गाड़ी रिवर्स ली और पीछे ठोक दिया तो वो गिर गया और उसका पैर टूट गया। हाँ। उस दिन से उसका नाम लंगड़ा बाबू पड़ गया। अबे सालो हंसो ना। लेकिन ये तो सीरियस मैटर है, इसमें कॉमेडी कहाँ से आ गई? मैटर तो सीरियस है, गिरा तो हम हंस दिए, कॉमेडी हो गया। जैसे बिजली गिरी तो सीरियस मैटर होता है, हाथी गिरा तो कॉमेडी मैटर हो जाता है ना, हंसो ना। इतनी सी बात के लिए मारा? अरे गुरु वो मैं गुरु मैं, ऐसे फालतू सवालों का जवाब देने ताकत हम में नहीं है नहीं। अब जो जवाब देना तुम ही दो, हम तो करते हैं। ए, ए, सालो ए। बाद में मिलते भाई। ओके डिटेल में बताओ। वो उस दिन उसका इंसल्ट हुआ ना, इसलिए उसने अटैक किया। ओ, आपने अपना बिजनेस क्या बताया था? ए भगवान क्या कहा था? कुछ हाँ, रियल एस्टेट ना? हाँ वही। वो तो बहुत ही रिस्की बिजनेस है ना? हाँ बहुत रिस्की है। ओके हाँ, आपसे एक और बात कहनी थी। दवाई लेने का टाइम हो गया। ओके मुझे लगा तू नहीं आएगा। अगर आने का जिगरा नहीं होता तो मैं जवान नहीं देता। ए, ए, ये मेरा इलाका है। तेरे जैसे गुंडे न जाने कितने मिट्टी में मिल गए उन्हीं के इलाके में, और वो भी मेरे ही हाथों से। काम की बात कर। फोन तूने किया था इसलिए तू बता बात क्या है। टीपू हमारा आदमी है, तेरे साथ उसने क्या किया इससे मैं कोई मतलब नहीं। ए, उसके ऊपर हाथ उठाना तो दूर, नजर भी डाली ना तो आंखें निकालकर कुत्तों को खिला दूंगा। उसी ने मेरी टांग तोड़ी है। जान से भी जाएगा। भाई के सामने उंगली उठाकर बात करता है तू? ए, तेरा भाई भगवान है क्या? अरे बड़े बड़े लोगों को रास्ते पर लाकर भीख मंगवाई है मैंने, तो तुम लोगों की क्या औकात? भाई
इसकी जुबान बहुत लंबी हो गई है, काट के फेंक देता हूँ। ए, कान खोल के सुन ले, अपनी राजनीति मुझ पर चलाने की कोशिश मत कर, नहीं तो टीपू तो हॉस्पिटल में है, तुम दोनों को तो शमशान भेज दूंगा। जगह भी तेरी और आदमी भी तेरे, मैंने तो सिर्फ जवाब दिया है, मिल गया है ना? ये राजनीति है बड़ी कमीनी, सफेद कपड़े पहनकर शांति की बातें करते हैं हम लोग, उसके बाद सफेद कफन उड़ाकर शमशान भेज देते हैं। खुदा हाफिज। ये फिल्म यहीं खत्म हो जानी चाहिए, अगर पर्दे पे आई तो पकड़ो उसे। Four.
ए प्रकाश सर, एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। अच्छा, ये जगह किसकी है? बाबू लंगड़ा की है सर। सर ये बाबू का राइट हैंड और ये बाबू का लेफ्ट हैंड है सर। क्या कहा, उसके हाथ नहीं थे क्या? ये सब कैसे हुआ? नहीं पता सर। ए, तुम दोनों उसके हाथ हो ना? बॉडी को छोड़कर भीख मांग रहे थे क्या? नहीं सर, जमीन का रजिस्ट्रेशन था, दीदी के साथ हम दोनों वहीं गए थे। ये दीदी कौन है बे? बाबू की बीवी है। अब रोने से कोई फायदा नहीं, बाबू तो गया, तुमको किसी पर शक है क्या? नहीं सर। लेकिन राजेंद्र और जमीर आने वाले थे ऐसा कह रहे थे, सब सेटलमेंट होने वाला ये भी कह रहे थे। टिप्पू भी आया था क्या? उसके बारे में कुछ नहीं कहा सर। आपसे कहा था कि बाबू के चक्कर में मत पड़िए। उसे खत्म करने को कहा था ना तुझे? जो इरादों के पक्के होते हैं वो अपने दोस्तों को प्यार करते हैं और दुश्मनों पे वार करते हैं। आपकी इसी जिद की वजह से आपका क्राइम कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तुझे कैसे पता चला? भगवान मंदिर में होते हैं तो सिर्फ मंदिर में आने वालों को उसके दर्शन प्राप्त होते हैं, लेकिन जब भगवान यात्रा पर निकलते हैं तो सभी को प्राप्त हो जाते हैं। उसे भगवान के पास क्यों नहीं पहुंचा दिया? लड़का पहचान गया। और हम? देखा भाई, इसका उठना बैठना हमारे साथ होता है और तरफदारी किसी और ही करने लगा है ये। देखिए, उस लड़के को लेकर आता हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बात को ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। भाई मान जाओ, मैं घर जाकर मस्त बिरयानी बनाकर लाता हूँ। एक ही थाली में खाकर भाई भाई बन जाते हैं। भाई अगर वो हमें कैसेट दे देगा तो मर्डर प्लान कैंसिल कर देंगे। प्रेस वाला है, उस पे कैसे यकीन करे? हम कौन से संत है? मान गया तो ठीक, नहीं माना तो बकरी। टिपू, बुलाओ उसे। संभल कर जाना। ठीक है दीदी। अजय, सिर्फ तुम पर ही भरोसा है, इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। एट द सेम टाइम तुम्हारे अलावा मुझे और किसी पर भरोसा नहीं। डरो मत, इसे कुछ नहीं होगा, सेफ रहेगा। मैं भी चलूं? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? कुछ से ज्यादा है। नमस्ते भाई। आओ बैठो। ये रिपोर्टर विनय है। तुझे तो मैं भाई, ये मेरे साथ आया। दीपू तू चुपचाप बैठ, मैं इसका सर फोड़ दूंगा। जमीर भाई। जमीर नहीं, मतलब तुम ही टिपू हो? ये जरूरी नहीं है, पहले अपनी जान बचाओ। बात कर लो। कैसेट कहाँ है? मेरे लॉकर में सेफ है। तो लाकर मुझे दे दे। देने के बाद कुछ नहीं करोगे, कोई गारंटी? गारंटी मैं हूँ। भाई एक मिनट। हाँ बोलो अनु। हेलो अजय, मेरे साथ में है ना? हाँ है ना। एमएलए और जमीर भी? हाँ वो भी है। और टेपू भी वहीं पर है? हाँ हाँ वो भी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? काम होती फोन करूँगा। ओके। ये अनु कौन है? टिपू वो मेरी बहन है। ओ तो साले को बचाने के लिए जीजा आया है। इसकी तो मेहनत। देखो विनय, कैसेट्स लाकर इन्हें दे दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों के बीच में मैं हूँ। अभी तो तुम साथ में हो, लेकिन हमेशा कहाँ रहोगे? एक काम कीजिए, आप मुझे लिखकर ये दीजिए कि अब से मुझे कोई खतरा नहीं होगा। लिखकर देने के बाद भी तुम्हें तकलीफ हुई तो लेटर कमिश्नर के पास पहुँच जाएगा। अबे तेरी तो बेसा भाई। ये हेलो, आजकल के लड़कों को फोन की बीमारी हो गई है। एक मिनट बात कर सकते हो ना? बोलो ना। एवरीथिंग इज ओके ना? डरो मत, सब कुछ ठीक है, बस विनय को कैसेट ला कर देना होगा। ठीक है। हाँ ओके। ए बैठना, कैसेट ले आओ। इस
इसको समझा। समीर भाई, हम राक्षस हैं, तुझे चीर फाड़कर हम तेरा खून पी जाएंगे। टीपू, इसे बता, अगर मेरा दिमाग खिसका तो इसकी बॉडी मटन की दुकान पे टंगी मिलेगी भाई। समझाना इसे। किसने बुलाया ये फोन? बार बार उठ के जा रहा है। टीपू की वजह से तू अभी तक जिंदा है, नहीं तो यही मार के तुझे अभी तक कहीं दफना चुका होता। और आप भी टीपू की वजह से बचे हुए हैं, नहीं तो कब का कैसे चैनल पे टेलीकास्ट करवा देता मैं। और पुलिस आपको पकड़ कर हमें समझ क्या रखा है? इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ो, थोड़ी देर रुको, मैं बात में फोन करता हूँ। के बिना नहीं रह सकते, इतने क्लोज हैं हम। तुमसे तो अभी अभी पहचान हुई है, लेकिन इसे मैं 22 सालों से जानती हूँ। तुमने कहा था मेरे भाई को कुछ नहीं होने दोगे, मैंने तुम पर भरोसा किया। नहीं, वो ये सब भगवान की मर्जी थी। वो अपनी मर्जी से सबको दुनिया में भेजते और अपनी मर्जी से वापस बुलाते। अजय, ऐसा क्या हुआ था वहां जो उन्होंने मेरे भाई को मार डाला? शायद उस टीपू को तुमसे ज्यादा राजेंद्र और जमीर इंपॉर्टेंट लगे। अजय, हाँ? मेरी एक हेल्प करोगे? बोलो अनु। मुझे टीपू से मिलना है, मिलाओगे ना? मैं उससे कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ उससे इतना पूछूंगी, मेरे भाई की जान लेते वक्त उसे अपनों की जरा भी याद नहीं आई। टीपू शहर में है नहीं? कहाँ गया वो? वो इस मर्डर केस में उसे हर हाल में बड़ी सजा होगी ये जानकर वो फरार हो गया। तुम जानते हो वो इस वक्त कहाँ होगा? उसे बुलाओगे? बुलाऊंगा, लेकिन अभी उसका
मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बुलाऊंगा जरूर। भगवान अच्छे लोगों को ही बुलाता है और वो पापी अब तक जिंदा है। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरे भाई को मारकर वो गुंडा टीपू फरार हो गया था, तुमने कहा था ना। अब मैंने ऐसा काम किया है कि उसे पुलिस पकड़कर सीधा जेल में डाल देगी। मतलब? मैं सीधा थाने गई और टीपू के नाम की कंप्लेन कर दी। तेरे नाम की कंप्लेंट है? देख, तूने अब तक कितनों का खून किया है और कितनों को हॉस्पिटल पहुंचाया मैं नहीं जानता, बट तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सर, अब तक लोग मुझसे डर कर मुझे पैसे देते थे, वो मैं गरीबों में बांट देता था। पहली बार किसी ने दिल दिया है सर, उसे मैं बिल्कुल खोना नहीं चाहता। मेरी मदद कीजिए सर। इम्पॉसिबल, मुझे नहीं लगता तू सुधर जाएगा। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तेरी बात मान लूंगी। मैडम, हमें किसी भी चीज की कीमत पाने से पता चलती है या खो देने के बाद। अनु का प्यार मेरे लिए कुछ ऐसा ही है, बड़ी मुश्किल से उसे पाया है। मेरा प्यार मुझसे मत छीनिए मैडम। मतलब तुझे माफ करके, तुझे वोट दिला के, मंत्री बना के पार्लियामेंट में बिठाओ? नहीं मैडम, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज सर। ठीक है। ये सब सुनाने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? छी मैडम, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा कानून इनका बाल भी बांका नहीं कर पाया, लेकिन प्यार ने इसे बदल दिया। क्या ये अच्छी बात नहीं है? अब तक तो हम रुके ही थे, थोड़े दिन और रुक जाते हैं, देखते हैं। एक सुधरा हुआ क्रिमिनल बिना गोली के ही मर जाएगा, और अगर नहीं सुधरा तो गोली से मैं ही उड़ा दूंगा। टीपू, जो हुआ डिटेल में बता। हम थाने के सामने हैं प्रशांत। एक महीने पहले हुए क्राइम रिपोर्टर विनय के मर्डर केस का खुलासा हुआ है, अभी हम आपको दिखाएंगे। आरोपी को पेशी के लिए पुलिस कोर्ट ले जा रही है। जमीर अली आपको कहाँ मिले? ये हमें मिल गया, ये ही बहुत बड़ी बात है। जमीर अली इसका नाम है, राजनीति में बहुत बड़ा नाम है इनका। कत्ल का मकसद? अभी तो मिला है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, फिर बताऊंगा। चलिए चल, ये सब बाद में देखना, पहले बेल का इंतजाम करो। हाँ, ए बाद में बात करता हूँ। मैं संभाल लूंगा। इन तीनों तिल्लियों को इस एक तिल्ली से उठाओगे तो मैं 500 रुपया दूंगी। ए पागल। अब एक बार और गिराया तो 100 रुपीज फाइन। मैं जो मांगूंगा वो दोगी? क्या चाहिए? हूँ
या उहूं? दूंगी। चाहिए तुझे तो आना ही होगा, डोंट से नो, ओके? हाय हाय। अच्छा बोलो, क्या काम है मुझसे? वो मम्मी पापा ने तुम्हें मिलने के लिए घर बुलाया है। वो क्यों? उन्हें हमारे बारे में बताया, तुम्हारे मम्मी पापा को भी बुलाया है, हमारी शादी की बात करनी है ना। अजय बैठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे साथ रहकर मैं अनाथ हूँ ये भूलने की कोशिश करता हूँ। अब माँ बाप की बात निकल गई तो तुमने मेरे पुराने घावों को ताजा कर दिया। I'm so sorry, मैं नहीं जानती थी। कोई बात नहीं अनु, बच्चों की परवरिश करना माँ बाप का धर्म होता है, लेकिन मेरा कोई वजूद नहीं है। उन्होंने गले नहीं लगाया, गली में छोड़ दिया। खाना खिलाने वाले तो कई मिल गए, लेकिन अपना नाम देने वाला कोई नहीं मिला। मैं तुम्हारी हैसियत का नहीं हूं, इसलिए हमारे इस प्यार को यही खत्म करना बेहतर होगा। अजय, what do you mean? हम दोनों के बीच ये हैसियत की बात कहां से आ गई? No chance या? लाइफ में जो चाहा उसे हासिल करने की ताकत रखने वाला आदमी ही अमीर होता है। चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसके पास अगर तुम्हारे जैसा सच्चा दिल ना हो तो वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। मैंने प्यार किया है तुमसे, सिर्फ तुमसे। तुम जैसे हो वैसे। You're my life। चलोगे ना? गुरु, तुम्हारी तो सेटिंग हो गई, अब हम दोनों की भी सेटिंग करवा दो। और तेरा क्या है भाई? मैं तो ऑलरेडी सेट हूँ भाई, अब तो बस पैदा होने वाले बच्चे की शक्ल देखकर नाम रखना बाकी है। अबे तेरी। सही बोल रहा हूँ गुरु। अनु ने मुझे बताया कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ सर। बच्चा पैदा करने की बात नहीं कर रहे हैं, कितना प्यार करते हो ये पूछ रहे हैं। क्या देखकर तुमने प्यार किया? मुझे तो मौका ही नहीं मिला। अच्छा। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक कुछ भी तो नहीं देखा। मतलब? मतलब मन की आंखों से देखा तो सिर्फ मन दिखा, और शर्मा कर सर झुकाया तो पैर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। सही बोला ना गुरु? दामाद जी बहुत अच्छे हैं। एक बार हाँ बोल कर तो देखो, एक साल में नाना नानी बना देगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? प्यार। किससे? किससे करता है? इससे। और तुम? फ्री होता हूँ तो प्यार करता हूँ, और जब प्यार करता हूँ तो फ्री होने की कोशिश करता हूँ। सच्ची बोल रहा हूँ गुरु। मतलब सब में प्यार ही कॉमन है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल जो है वो एक उपजाऊ भूमि है, उस पर जो भी उगाओगे सब अच्छा ही उगेगा। जी हाँ, चाहे फिर वो नफरत हो या फिर प्यार हो। हाँ आंटी, हमें मौका मिले तो हर साल ही दो चार पैदा कर देंगे। मजाक कर रहा हूँ गुरु।
फिर पीछे यूं ना सता तू ओ दिल रुबा तू मेरी हवा में है दिल की किनारा है सुन दिल क्या कहे तूने जादू किया हर पल तू यादों ले भुक्के खा ले तो मुझसे नाराज तो नहीं हो ना वो क्यों वो क्या है ना केस कोर्ट में आ जाएगा तो टीपू को सजा भी हो सकती है जो गुनाह किया ही नहीं उसकी सजा सर नमस्कार सर हाय हाय सर हाय सर दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है बट कब तक साथ रहोगे ये भगवान ही जाने आखिर तक सर है ना जय कॉन्फिडेंस अच्छा है ओवर कॉन्फिडेंस बुरा Anyhow, one good news for you, Anu. केस फाइल हो गया है कोर्ट में चार्जशीट देनी है So what? टीपू से बात कर ली है कोर्ट में आएगा ऐसा कह रहा था 16th का केस है Wow, that's great. अजय उसे कोर्ट में लेकर आओगे ना बाय गुड नाइट सर हाँ गुड नाइट अजय उसे भूल जाओ गुरु हमारी लाइन में दोस्तों से भी ज्यादा दुश्मन भरे पड़े हैं किस गली किस नुक्कड़ किस चौराहे पर हमारी लाश पड़ी होगी हमें भी पता नहीं इतना ही नहीं गुरु हमारी लाश का तो कोई क्रियाक्रम करने भी नहीं आएगा इसीलिए तो कह रहा हूं हमारा अपना कोई होना ही चाहिए लेकिन सच्चाई को दबाकर झूठ से बना रिश्ता टिकता नहीं है इसीलिए तो बोलू या नहीं सोचकर तड़पता रहता हूं मुझे तो लगता है इस रिश्ते को बचाना बहुत मुश्किल है गुरु सच बोलोगे तो तुमको सुकून मिलेगा क्या हुआ गुरु वैसे खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी यही सोच रहे हो ना बात खूबसूरती की नहीं है उस दिन सिग्नल पर मेरे एक छोटे से काम की तारीफ करके उसने मुझसे हाथ मिलाया उसके अलावा किसी को भी वो अच्छा ही नजर नहीं आई उसने मुझे अच्छा कहा इसलिए नहीं उसके अंदर जो अच्छा दिल है वो मुझे भा गया उसे नहीं छोड़ सकता Come on, Ajay, fast. अरे बाबा हमारे केस की टाइमिंग 11:30 की है पहले मुझे उससे मिलकर पूछना है कि तुम जैसे अच्छे दोस्त के साथ रहकर भी वो ऐसा कैसे हो गया अच्छा चलो जूस पीकर चलते हैं। नहीं बाबा पहले जूस पियेंगे फिर टीपू से मिलेंगे चलो एक मिनट ओके ऑरेंज जूस देना और एक मौसम्बी देता हूँ अनु मुझे तुमसे कुछ कहना है देशद्रोही को माफ किया जा सकता है लेकिन विश्वासघाती को कभी नहीं कौन सी बेंच है चौथी बेंच भाई और जज सत्यनारायण नाम है उसका Thank you.
16th मार्च को क्राइम रिपोर्टर विनय का मर्डर हुआ था सर, और आरोपी है जमीर अली। जमीर अली, इनका कहना है कि खून तुमने किया, क्या ये सच है? नहीं साहब, झूठ है, बिल्कुल झूठ है साहब। साहब उस दिन तो मैं यहाँ था ही नहीं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष की जरूरी मीटिंग थी, हम सब गोवा गए थे, रूम के अंदर मीटिंग चल रही थी, मैं बाहर था। नहीं सर, हमारे पास गवाह है, विनय की हत्या की वजह क्रिमिनल बाबू उर्फ लंगड़ा बाबू की हत्या है, जिसे विनय नाम के रिपोर्टर ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, और उसके गवाह हैं टीपू उर्फ अजय। अजय उर्फ टीपू को हाजिर करो। आ रहा है सर। कितना टाइम लगेगा? खैर, इस केस को 3:30 बजे तक पोस्टपोन किया जाता है। पाला हुआ सांप हमें ही डसने चला है। वो एक मामूली सांप है, और मैं ठहरा अजगर, ऐसे सांपों को तो मैं निगल जाता हूँ। क्या हुआ, आपका गवाह टीपू कहाँ है? बस आता ही होगा सर। और कितनी देर इंतजार करें? बहुत हो गया, इनको बेल दी जाती है, अगले महीने की 22 तारीख को आइए। आप भगवान है साहब, भगवान। ओ थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई आप में बहुत ताकत है भाई। पता नहीं वो क्यों नहीं आया। मैं बार बार दोहराती हूँ, इसीलिए बुरा मत मानिए, झूठ बोलने के लिए सिर्फ चालाकी चाहिए, लेकिन सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। डंडा दे। दवाई देगा? हाँ, हमारे खिलाफ गवाही देगा। चल निकल पुलिस वाले। ए भागो, चलो 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 निकलो यहाँ से, चलो जल्दी जल्दी बैठो। ए रुक रुक रुक, ए ए रुक 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 साला रुक। टीपू टीपू कम ऑन, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं सर, वो मुझे छोड़कर चली गई, मुझे नहीं जीना। ए चलना चल। अनु हम दोनों गांव जा रहे हैं। ठीक है पापा। और तुम? जब तक उसे सजा नहीं मिलती मैं नहीं जाऊंगी। अनु उससे एक बार बात तो करो। नो, मैंने सिर्फ अपने भाई को नहीं खोया है, विश्वास भी खोया है। अनु तेरे पापा ने उस दिन एक बात कही थी, दिल एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है, बोया था प्यार को लेकिन पैदा हो रही है सिर्फ नफरत, ये ठीक नहीं है बेटी। अब कैसा है तू? ठीक हूँ सर। पता चल गया है, एक बात याद रखना, इंसान दो लोगों को नहीं भूलता, एक उसे जो मुसीबत के वक्त साथ देता है, और दूसरे वो जो साथ छोड़ देते हैं। गुंडागर्दी से किसी का भला नहीं हुआ, किसी की जिंदगी नहीं बदली इससे। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, उसे महसूस करना सीखो। अगर जिंदगी खूबसूरत होती तो कोई बच्चा रोते हुए पैदा नहीं होता। ऑफ कोर्स, ये जीवन तभी सफल है जब चार लोग तुम्हारी याद में आंसू बहाते हैं, जिंदगी भर घुट घुट के जीने से नहीं।
लेकिन तुम क्या समझोगे, एटलीस्ट फील तो करो, नहीं तो यूं ही तड़पते रहोगे। मैडम मैडम देखो, अगर मैं अपनी ड्यूटी के हिसाब से चलता तो तेरा एक ही बुलेट में काम तमाम कर देता, तुझे सुधरने का मौका दिया, बट बार बार मौका देने के लिए ना तो मैं तुम्हारा भाई हूं और ना ही रिश्तेदार। पागल नहीं हूं मैं। अच्छा सोच लो तुम, फिर कॉल करके मुझे बताना तुम इस केस को आगे बढ़ाऊं या मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने तुम्हारे प्यार के लिए झूठ बोला, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। माना मैंने गलती की, लेकिन तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा। किसी को तो मारा है ना? So, एक गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने प्यार भी किया है, उसकी सजा क्या है? प्यार करना भी गुनाह है क्या? झूठे इंसान का प्यार अपनी जरूरत के लिए, अपने फायदे के लिए होता है। तुमने भी तो वही किया ना? अनु, मुझे अपनों का भरोसा निभाना भी आता है और उनके लिए जान भी दे सकता हूँ। शट अप या, खून खराबा लूट मार करने वाले तुम जैसे लोगों की जुबान पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। भगवान ने हम सभी लोगों को दो आंखें दी, दो हाथ, दो पैर, दो कान भी दिए, लेकिन दिल से फेंक ही दिया। जानते हो क्यों? ताकि हम अपने लायक जीवन साथी ढूंढ सके। और मुझे क्या मिला? एक धोखेबाज मिला, पत्थर दिल। इट्स जस्ट माय बैड लक। अनु, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। प्यार क्या है ये समझ चुका हूँ। हम दोनों के बारे में काफी कुछ सोच रखा है मैंने। मेरे सपनों को मत उजाड़ो। तो क्या मैं अपने सपनों को उजाड़ू? नहीं अनु, मुझे भी शामिल कर लो, मेरा हाथ थाम लो। तुम्हारे साथ मैं भी कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। कूड़ा कूड़ेदान में ही अच्छा लगता है, थाना थाली में ही अच्छा लगता है। बदल गए तो लोग तुम पर हंसेंगे। जिंदगी को हंसते हंसते बितानी चाहिए, ना कि जिंदगी भर लोग तुम पर हंसे। और मैं ये नहीं चाहती। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता अनु। तो यही अच्छा होगा कि तुम मर जाओ। कम से कम तुम्हारे हाथों जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को तुम्हारी मौत से खुशी तो मिलेगी। Get the hell out of here. हाथ छोड़ो। चाहे जान चली जाए लेकिन नहीं छोड़ूंगा। जान से बढ़कर इज्जत होती है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ। काश तुम मेरी बात पहले समझ लेते तो अच्छा होता। चलो सुरेश, मैं विक्रम सिंह। हाँ विक्रम सिंह बोलो। वो क्या है ना, हाँ? कुछ दिनों के लिए तेरी मिल में जगह चाहिए थी, अपना आदमी रहेगा वहाँ। कोई प्रॉब्लम हुई तो? अरे तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। ओके, अब यही मिल में रहना होगा, सेफ है तुम्हारे लिए। वो क्यों? राजेंद्र और जमी अली को सजा दिलवाने वाले इकलौते गवाह हो तुम, समझ गए? इससे मुझे क्या फायदा है? प्यार खो दिया तो प्यार से भरोसा भी उड़ गया। इतने जल्दी हार मान गए? प्यार को पाने के लिए पहले इंसान बनना पड़ता है, और इंसान तभी कहलाओगे तुम जब अपनी गलती मानकर सही रास्ते पर चलोगे। ऐसा करने से अनु मिल जाएगी? हाँ बोलकर तो मैं तसल्ली नहीं दूंगा तुम्हें, बट चांसेस आर देयर। कब तक यहां रहना होगा मुझे? जब तक तुम्हारे लोगों को इस बारे में पता नहीं चल जाता। पता चला तो कहीं और शिफ्ट कर दूंगा।
साथ टीपू का है। बस करो यार, थोड़ा आराम करो, जाओ ला दे मुझे। हमको नहीं पता कहाँ है वो। भाई मार खाकर ठंडा हो गया होगा, उसकी आइटम नहीं है इसलिए किसी और आइटम के पास गर्म होने गया होगा। उस कमीने को किसी भी तरह बिल से बाहर निकालना पड़ेगा जमीर। अगर वो गलती से भी कोर्ट पहुंच गया तो तेरा मेरा दोनों का परमानेंट एड्रेस जेल हो जाएगा। नहीं भाई, चाहे वो कहीं भी छिपा हो, अपने दोस्तों के लिए आज नहीं तो कल उसे आना ही होगा। इन्हें खाने में भरपेट डंडे खिलाओ, टीपू मिल जाए तो इन्हें छोड़ देना, और अगर नहीं मिला तो उसकी जगह इन्हें मार देना। कौन है आप लोग? अनु तुम हो? सच में? अरे भाई, हमारी पार्टी के तीन लोग हमें छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। अरे जो भी गए हैं उन्हें मैं वापस बुलवा लूंगा। हाँ। और वो जो अपोजिशन वाला ज्यादा बोलता अच्छा, है ना वो मिश्रा को क्या? हाँ। टीपू कहाँ है? वो कौन है जिसकी तू लैला बनी है? वही। मैंने उसे छोड़ दिया। भाई ये लड़कियों का प्यार मौसम की तरह होता है, हर चार चार महीने में अपने आप बदलता रहता है। साला मर रहा था कहीं, बोतल का महंगा पानी पिलाकर मैंने उसे बचाया। हट। तुमने उसे बचाया था अपने फायदे के लिए और तुमने उसे इंसान नहीं एक शैतान बना दिया। ठीक है, अब तू हमारे लिए उसके साथ फिर से प्यार का नाटक शुरू कर दे और उसे हमारे हवाले कर दे। भूख लगने पर मुंह से उगली हुई चीज वापस खाने की आदत मुझ में नहीं है। भाई दिखने में बिल्कुल आइटम गर्ल लगती है, आप सीएम से सिफारिश करके इसे अपनी पार्टी में शामिल कर लो, पूरे यूथ का सपोर्ट मिल जाएगा हमको। बकरीद कब है? हाँ समझ गया भाई। अरे अरे यहीं पर रोक दो, ये लो, कुछ नहीं होगा आपको, भगवान पर भरोसा रखो और पीना बंद करो। अरे चाची क्या हुआ? अरे इनकी किडनी खराब हो गई थी, मैंने अपनी किडनी इनको दी है। कहा था ना पीना बंद कर दो, वही छोड़ देना चाहिए था मरने के लिए। क्या कहा तुमने? इन्हें मरने के लिए वही छोड़ देना चाहिए था? अरे बेटी ये सिर्फ शराबी नहीं है, मेरे पति भी हैं। मेरा सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ, मेरा सारा जीवन इन्हीं के साथ बिताना है मुझे। किस खुशी में चाची, आखिरी दम तक तकलीफ उठाने के बजाय इस आदमी को छोड़कर किसी अच्छे आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताओ। अच्छा है, जहाँ प्यार होता है वही झगड़ा भी होता है, तो क्या रोज किसी को छोड़कर किसी के साथ शादी करना ये पुण्य का काम नहीं है? अगर हम में सब्र नहीं है, दिल में भावनाएं नहीं है, तो ऐसा ही होगा। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? देखिए मुझे मत सिखाइए प्यार क्या है, झूठे लोग प्यार के लायक नहीं है। चंदा मामा को तेरे पास ले आएगी, ऐसा तेरी माँ ने कहा होगा। लेके आई क्या? तेरी माँ को तूने छोड़ दिया? पहले तो प्यार ही भगवान है, प्यार ही सब कुछ है, ऐसे ही बोलते हो ना? अगर तुम्हारे दिल में भावनाएं नहीं हो सकती तो इस दुनिया में प्यार में जीने का अर्थ ही क्या है? आई बड़ी समझाने वाली। रोज सुबह सुबह तुम जो रेडियो पर बोलती हो ना, क्या वो सब कुछ सच है? सब झूठ है। बड़ी आई हरिश्चंद्र समझने वाली, चल जाना अपना काम कर ले। हाय गाइस, आप सुन रहे हैं इंडिया का नंबर वन म्यूजिक चैनल 92.7 बिग एफएम, रंग जमाओ धूम मचाओ। मैं हूं आपकी आरजे ऑलराउंडर अनु, और आज का कॉन्सेप्ट है आप प्यार में धोखा सहेंगे या फिर नहीं। हमारी फर्स्ट कॉलर है, हेलो हेलो, मैं गुलबर्गा से संगीता बोल रही हूँ। हाय संगीता, आप करती क्या हैं? मैडम मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। ओके फाइन, सो कॉन्सेप्ट पता है ना? हाँ मैडम। तो आप क्या कहेंगी? सच तो नहीं कह सकते मैडम, क्योंकि प्यार भगवान होता है। दैट्स राइट मैडम, प्यार में जिसने गलती की ना हो ऐसा कोई भी नहीं है। अपनी गलती को मानना और माफ करना ये बहुत बड़ी बात है मैडम। राजीव गांधी के हत्यारे को, वीरप्पन को, अजमल कसाब को भी माफ करने के लिए सरकार ने एक बार सोचा ही होगा। अगर ऐसा है तो प्यार करने वालों को एक चांस मिलना ही चाहिए मैडम। सो हमारे नेक्स्ट कॉलर, मेरे हिसाब से माफ करना सही है। ऐसा क्यों? जिद या गुस्से से हम जीत सकते हैं,
सजा दे के उसको हम डरा भी सकते हैं, लेकिन जिंदगी जिद गुस्सा और डर से नहीं चल सकती, बस प्यार से चल सकती है। प्यार को प्यार से ही पाया जा सकता है, प्यार में माफ करना ही प्यार होता है। ओके फाइन, अब मैं आपको सुना रही हूँ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंजॉय। मेरी बाहों में आ। क्या सर, ग्रेनाइट फैक्ट्री हो गई, गैरेज हो गया, अब टिम्बर यार्ड भी आ गया। देखिए, मुझे ऐसे डर के जीने की आदत बिल्कुल नहीं है। जानता हूँ, फिलहाल तुम लड़ना भी तो नहीं चाहते। अब कहाँ जाना है? कोर्ट जाना है। हेलो। हाँ विक्रम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? टीपू कहाँ है? चांस ही नहीं है, मेरे साथ है वो। अनु, ए अनु, ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हो? गलती तो हर इंसान से होती है, हो सके तो उसे एक बार माफ करके तो देखो। ये तुम्हारी लाइफ है, फैसला तुम्हें ही करना है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। जहाँ प्यार होता है वही झगड़ा भी होता है, तो क्या रोज किसी को छोड़कर किसी के साथ शादी करना ये पुण्य का काम नहीं है? अगर तुम्हारे दिल में भावनाएं नहीं हो सकती तो इस दुनिया में प्यार में जीने का अर्थ ही क्या है? मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, प्यार क्या है ये मैं समझ चुका हूँ। हम दोनों के बारे में काफी कुछ सोच रखा है मैंने, मेरे सपनों को मत उजाड़ो। टीपू, जिसे लोग शेर कहते थे, वो चूहा बनकर बिल में छुपा था। हाँ भाई, आज चूहे की मौत मरेगा। गलत सोच रहे हो तुम लोग, तुम्हारा अपना कोई सगा हो तो अभी बुला लो, कम से कम क्रियाकर्म तो हो जाएगा। ए इंस्पेक्टर, ये कौन है तू ठीक से जानता नहीं है क्या? डायलॉग बाजी बंद कर, वो हमारा काम है। तू सलाम कर सलाम, तुझे कहाँ ट्रांसफर होना है वो बता, ये वहाँ ट्रांसफर करवा देंगे। ए, एक क्रिमिनल फुदर गया, एक गोली बच गई, मेरी इस बात की खुशी है मुझे। अगर सीधी तरह से नहीं चले तो दो गोली पर तुम लोगों के नाम लिख जाएगा। डिपार्टमेंट को हिसाब किताब देना पड़ेगा दोनों को ठोकने के बाद। काट डालो उसको। इंस्पेक्टर, तेरे पास सिर्फ 6 गोलियां हैं, हमारे पास बहुत है। ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर सबको मिलाकर 200 से भी ज्यादा लोग हो जाएंगे। तुझे कुत्ते की मौत मारकर तेरी लाश को ना पीछे के नाले में डालकर कीड़ों को खिला दूंगा साले। तुम जैसे नामर्दों को मारने के लिए गोली की जरूरत नहीं है मुझे, ये अकेला मर्द ही काफी है। टेपो, सड़क पर मिलने वाले सड़क छाप नहीं होते, ये साबित करो तुम। इन कमीनों को छोड़ना मत। कुत्ते की मौत मारो इस सड़क छाप को। Oh, my God.
साले कमीने, हमने तुझे इसलिए पाला था कि तू हमें ही फांसी पे चढ़वा दे। हमारे आदमियों को मारा तूने, हैं? मारेगा? ए, मुझे भी मारेगा? अरे भाई जाओ ना, छोड़ो मुझे। क्या छोड़ू तुझे? हाँ, मार मुझे। हाँ जमीर भाई, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? अरे ये तो टीवी सीरियल की तरह एक्टिंग कर रहा है भाई। तुझे छोड़ दूँ? ए, सोने का इतना ही शौक था तो मुझे बता देता, उसके जैसी कितने ही बाजारू औरतें तुझे लाके दे देता। यस, यही यही है प्यार की ताकत। अब होगा आर्य पार। मेरे बारे में कुछ भी बोल, लेकिन अगर मेरी अनु के बारे में कुछ बोला तो। अब तेरा काम खत्म हुआ, अब ये कानून सजा देगा। अजय उर्फ टीपू, एमएलए राजेंद्र और उसके साथियों का गुनाह साबित हो चुका है, इसलिए ये अदालत सभी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। एक बात कहूं, अनाथ तो बहुत पैदा होते हैं और ये किस्मत की बात होती है, लेकिन तुम अनाथ बनकर नहीं मरोगे, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा ये मुझे पता नहीं। तुमने एक अच्छा काम किया है इसलिए तुम्हें खुद पर नाज होगा। अच्छा काम किया है तुमने। देखो, नए सपनों को लेकर रोज मरने की बजाय पुरानी यादें अच्छी है। कोशिश करूंगा। अजय, टेपो, मैं बाहर वेट करता हूं। I love you so much.